सेकेंड ईयर असल टुडे इन चैप्टर नंबर टू वी विल डिस्कस द ड्यूटीज़ ऑफ़ सिटीजन्स शहरीों के फरज़ ड्यूटीज़ ऑफ ऑफ पाकिस्तान हैव गॉट इक्ल रेर फोर सर्टन ड्यूटीज़ आर इन्फोर्सड ऑन दैम बिकॉज राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर इंटर रिलेटेड पाकिस्तान के शहरीों को जहाँ बराबरी की बुनियाद पर हकूक हासिल हैं वहाँ पर उन पर कुछ जिम्मेदारियाँ भी आए होती हैं क्योंकि हकूक़ और फ़रज़ का आपस में गहरा ताल्लुक़ है और वो माशरा जहाँ पर आवाम के हकूक़ और उनके फ़रज़ के दरमियान में तोज़न रखा जाए वो एक मतवाज़न माशरा होता है ड्यूटीज़ ऑफ़ पाकिस्तानी सिटीज़न्स पाकिस्तान के शहरीों के फ़रज़ फ़स्ट ऑफ़ ऑल वी विल डिस्कस

उसको किसी भी ऐसी सरगर्मी में मुलव नहीं होना चाहिए जो मुल्क के मफदात के ख़िलाफ़ हो सेकेंड पॉइंट इज रिस्पेक्ट ऑफ लॉ कानून का एहतराम लॉज ऑफ़ द लैंड शुड बी ऑब्जर्वड एंड इट शुड नाट बी वायलेटेड बिकॉज लॉज आर मेड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल तमाम मुल्की और रियासती कवानीन का एहतराम करना हर शख़्स की अहम ज़िम्मेदारी है और किसी भी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होनी चाहिए क्योंकि किसी भी मुल्क में कवानी इसलिए बनाए जाते हैं ताकि अवाम को सहूलत हासिल हो सके पॉइंट नंबर थ्री पेमेंट ऑफ टैक्सेस टैक्सों की अदायगी टैक्सेस आर द इनकम ऑफ द गमेंट एंड थ्रू दैट इनकम दे डू द डिवलपमेंटल प्रोजेक्ट इन द कंट्री एंड द सिटीजन्स आर रिक्वायर्ड टू पे द टैक्स लिवेड बाई द स्टेट हुकूमत की तरफ से आयद करदा तमाम टैक्स अपने वक्त पर अदा कर देना हर शहरी की बुनियादी जिम्मेदारी है क्योंकि टैक्स कूमत की आमदनी होते हैं और इस आमदनी से हकूमत वो तमाम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करती है जो उसने मुल्क की तरक्की के लिए शुरू किए होते हैं पॉइंट नंबर फोर यूज़ ऑफ वोट वोट का सही इस्तेमाल दिस इज़ द रिस्पांसबिलिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज़ द पोलिटिकल ड्यूटी बिकॉज़

फिफ्थ पॉइंट इज पब्लिक सर्विस समाजी खिदमत, एवरी सिटीज़न शुड एक्सटेंड फुल कोऑपरेशन टू ऑल द अदर सिटीजन्स एंड टेक इंटरेस्ट इन देयर वेलफेयर दिस इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन टू हेल्प ईच अदर हर शहरी को सामाजी खिदमत और माशरे की फलाह व बहबूद के कामों में हिस्सा लेना चाहिए जब एक शहरी बाकी तमाम लोगों की मदद के लिए तैयार होता है तो इससे माशरे में भाईचारे की फ़िज़ा कायम होती है पॉइंट नंबर सिक्स नेशनल इंटरेस्ट कौमी मफदात की बालादस्ती एवरी सिटीज़न शुड प्रेफ़र द नेशनल इंटरेस्ट ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट एंड ही शुड अवॉइड टू वर्क अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो मुल्की और कौमी मफदात को ज़ाती मफदात पर तरजीह दें इसलिए कि बुनियादी तौर पर हर शहरी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मुल्क के तमाम मफात को मलहू खातिर रखें हर शहरी को ऐसी तमाम सरगर्मियों से दूर रहना चाहिए जिससे उसके कौमी मफदात को नुकसान पहुँच सके पॉइंट्स नंबर सेवन एजुकेशन Kahasul. Every citizen should manage to get education for himself and for his children. This is the basic duty of each and every citizen to get education because education will give him the political consciousness and it will create a sense of responsibility in him. हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो भी तालीम हासिल करे और अपने बच्चों को भी तालीम दिलवाए इसलिए कि एक तालीम याफ़्ता शख्स ना सिर्फ सियासी लिहाज से बाशूर होता है बल्कि उसे अच्छे और बुरे की तमीज़ भी होती है हार्डवर्किंग मेहनत एवरी सिटीज़न शुड वर्क फॉर हिमसेल्फ़ एंड फॉर द स्टेट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग एन अनड्यूलाइबिलिटी फॉर द स्टेट हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करे और मुल्क की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करें किसी भी शख्स को मुल्क या माशरे पर बोझ नहीं बनना चाहिए बल्कि मेहनत मज़दूरी करके ना सिर्फ अपना बोझ उठाना चाहिए बल्कि मुल्क और माशरे की तरक्की में अहम किरदार अदा करना चाहिए And thank you.